बिस्मिल्लाह हमारे ही आप देख रहे हैं तहलका स्पोर्ट्स और वही घड़ी जिसका इंतजार था, कब से इंतजार था वो आ गई है और भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो आज एशिया कप का जो शेड्यूल है उसका ऐलान किया है और एशिया कप का बाकायदा तौर पर ये शेड्यूल आ चुका है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं तमाम जो मेरे व्यूअर्स हैं तहलका स्पोर्ट्स के, चाहे वो इंडिया में मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में या जिधर जिधर भी हैं। आपको मेरी मुस्कुराहट से ये अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल जो है वो बिलाखिर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कबूल कर लिया है और पाकिस्तान अपने मौकफ को बेचने में, अपने मौकफ को पूरी दुनिया में दिखाने में कामयाब जरूर हो चुका है। नजम सेठी की जीत है, पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान क्रिकेट की जीत है कि पाकिस्तान को चार मैचेस एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान में ही दिए हैं और उसके साथ साथ 9 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में होंगे, तो कुल टोटल जो हैं वो 13 मैचेस खेले जाएंगे। अब बात करते हैं, पहले ये खबरें आईं कि जी एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ, पाकिस्तान की जो है वो उन्होंने कोई बात ना मानी, भारतीय मीडिया जो है वो बकवास करता रहा कि पाकिस्तान की कोई खबर नहीं सच्ची, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो झूठा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई जो है वो इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तान में करवाए मैच। क्यों ना करवाए भाई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड तमाम बड़ी टीमें यहाँ पर आके खेलती रही, PSL के मैचेस यहाँ पर हुए, फिर आप लोगों को क्या तकलीफ थी? अब भी तो आप लोगों को मुंह की खानी पड़ी है ना। जय शाह साहब, जो आप सदर हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, आपको तब भी तो हुआ ना दादा। अब मुझे ये बताएं कि आपने एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो फैसला है, शेड्यूल है एशिया कप का, वो इसका तो बाकायदा तौर पर ऐलान कर ही दिया है, तो मुझे ये बताएं कि आप ओपनिंग सेरेमनी में आप पाकिस्तान आ रहे हैं ना, आप पाकिस्तान आएंगे, आपके बड़े भी आएंगे पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान में चार मैचेस आप लोगों ने करवाने पर मजबूर हुए हैं ना, उस तरह आप लोग पाकिस्तान भी आएंगे। भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता जी, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान आकर खेलना नहीं चाहता, ना आए भाड़ में जाए हमारी तरफ से भारत, ना आकर खेले पाकिस्तान में, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है उसको आप लोगों ने तस्लीम किया, चार मैचेस हुए। अब मैं आपको तारीखें बताता हूँ जी, 31 अगस्त से 17 सितंबर तक जो है वो एशिया कप खेला जाएगा, एशिया कप का इनेकाद होगा, वनडे एशिया कप होगा 2023 का, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास थी, लेकिन भारत जो है वो अपने औचित्य कंधे इस्तेमाल करके कुछ मैच श्रीलंका में ले गया, पाकिस्तान को चार मैचेस दिए, ये भी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। जो कहते थे कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे, UAE नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे, तो उनको मुंह तोड़ जवाब है कि आप पाकिस्तान में चार मैचेस खेलने का वक्त आ गया है और इवन के जो चार मैचेस हैं पाकिस्तान में, 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे, पाकिस्तान समेत भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान जो है उनकी टीमें शिरकत करेंगी और टूर्नामेंट जो है वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ से खेला जाएगा। हाइब्रिड मॉडल का नजम सेठी ने ये तजवीज़ दी थी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ने, और मुतद्दिद भारतीय चैनल से उनको आज जो है वो सदमा पेश आएगा इस खबर के बाद कि पाकिस्तान में भी मैचेस होंगे एशिया कप के। बड़े अरसे के बाद एशिया कप के यहाँ पर मैचेस होने जा रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान जो है वो जब चार मैचेस का इनेकाद बड़ी खुशसलूबी से करवाएगा और भारत को जो है वो थप्पड़ रसीद करेगा चार मैचेस यहाँ पर करवा के, उसके बाद यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चार्टर तैयारों के जरिए तमाम टीमों को श्रीलंका भिजवाएगा, वहां पर जो है वो मैचेस खेले जाएंगे 9। तो 31 अगस्त से 17 सितंबर तक एशिया कप का इनेकाद होगा, हाइब्रिड मॉडल सीम हो गया। बड़ी मुझे खुशी है इस बात की कि भारत जो है उसको आज जो है वो हमने नी डाउन किया है और वो इस चीज पर आज शर्मिंदा होगा कि हम लोगों ने क्या क्या खबरें चलवाई, PTI से खबरें चलवाई, जो उनकी एजेंसी है खबरों की, ANI से चलवाई, मीडिया से चलवाई, अपने मुख्तलिफ एंकर जो बिकाऊ एंकर हैं उनके जरिए खबरें चलवाई कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान एशिया कप का इनेकाद नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता भाई, आप जो पाकिस्तान में आप चार मैचेस दे रहे हैं जय शाह साहब, तो पहले क्या तकलीफ थी आपको, आप पहले दे देते, आप पहले कर सकते थे ये चीजें सारी। अब जो है वो हम लोग यही कहते रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल तस्लीम हुआ है, तमाम बोर्ड राजी हो गए। आपने IPL के फाइनल में भी बड़ी कोशिश की है तमाम बोर्ड्स को मिलाकर और उनको जो है पैसों का लालच देकर श्रीलंकन बोर्ड को कि जी हम आपको पैसे देंगे, पाकिस्तान ना जाना, फलाना ना करना, आप लोग मुहालफत करो, बांग्लादेश को भी कहा, अफगानिस्तान को भी कहा, लेकिन हमें इतलात ये है कि शुरू से ही बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और श्रीलंका ने, तमाम बोर्ड्स ने PCB को ईमेल की थी कि हमें पाकिस्तान आने पर कोई इतराज़ नहीं है, हम पाकिस्तान आकर खेलेंगे। और अब एशिया कप जो है उसके मैचेस का भी कुछ दिनों बाद शेड्यूल का बाकायदा तौर पर ऐलान होगा। वेन्यू आपको बता दिए, 2 वेन्यू हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका। चूंकि UAE में सख्त गर्मी थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये चाहता था कि श्रीलंका में जो है वो हम लोग खेल सके। अब ये देखे बड़ी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी की।
जो उन्होंने अपना मौका पेश किया उस पर डटे रहे और यह कहा कि अगर एशिया कप मैचेस पाकिस्तान नहीं होंगे तो हम लोग बायकॉट करेंगे। इस पर इंडिया जो है वो आपको पता है कि एज यूजल फट्टू है और डर गया। डरने के बाद उसने कहा जी पाकिस्तान में मैचेस करवाए जाएं, तो क्यों ना करवाएं। आपको पहले भी बताया कि हम लोग जो हैं वो बड़ी मोहब्बत वतन कौम हैं, बड़े हम लोग पेशेंस वाले लोग हैं, बड़े पुरमन लोग हैं। कोई यहाँ पर किसी किस्म की इश्तियाल पसंदी नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई रोक रुकावट नहीं है, सिक्योरिटी फुल प्रूफ है। हम लोग उनको अब मेज़बानी जो है वो पाकिस्तानियों से सीखे। जो मुख्तलिफ जो गोरे आते थे पीएसएल में वो अपने ट्वीट करते थे वीडियोस लगा करके, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो हमें कोई सिक्योरिटी हमें नहीं मिलती, उनको तो अपने घर दूसरी दफा चाय नहीं मिलती, पाकिस्तान उनको जो है वो प्रेजिडेंशियल सिक्योरिटी देता रहा। तो इसलिए सॉरी जज्बाती हो गया, खुशी हो गई कि पाकिस्तान जो है वो अपने मौके पर कामयाब हुआ। एशिया कप पाकिस्तान आ गया है, शेड्यूल आपको बता दिया है, दो वेन्यूज आपको बता दिए हैं। जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी आपका कादिर ख्वाजा आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर को कमेंट जरूर कीजिएगा।